परेश्वर बाबा की ये पावन धरा पर अपन सभी को प्राप्त हुआ है। कार्तिक का पावन महीना जिसमें कार्तिक महत्तम की पावन कथा का रस स्वादन करने का सौभाग्य मिला है। संग स्मरण मान लो अगर मानव की देह मिल जाए कहते हैं कोटि कोटि हजारों जन्म लेने के बाद जो सत्कर्म का पुण्य का घड़ा जब फूटता है तब मानव की देह मिल पाती है और फिर उससे भी प्रबल हजारों लाखों पुण्य के घड़े जब फूटते हैं तब जाकर भगवान ये वाणी ये नयन श्रवण हाथ पैर ये सारी इंद्रियां पूर्ण देता है। अगर पूर्ण इंद्रियां अगर भगवान ने आपको दी है हाथ पैर नयन श्रवण वाणी जिभ्या ये सारी इंद्रियां है मनुष्य की अगर ये आपको भगवान ने पूर्ण दी है तो आप समझ लेना कि मानव की देह जो हजारों पुण्य के घड़े प्राप्त करने के बाद जो शरीर मिला है उस शरीर में भी लाखों पुण्य के घड़े फोड़ने के बाद जो शरीर में इंद्रियां पूर्ण मिली है ये शरीर पूर्ण मिला। और अगर शरीर पूर्ण मिल भी गया और पूर्ण शरीर मिलने के बाद भी करोड़ों करोड़ों पुण्य के घड़े जब फूटते हैं समाप्त होते हैं उसमें से अमृत जो निकलता है पुण्य का तब जाकर कोई भगवान का भक्त बन पाता है। और करोड़ों करोड़ों पुण्य के घड़े जब फूटने के बाद कोई अमृत तत्व प्राप्त होता है तब जाकर वो शंकर की कथा को श्रवण कर पाता है। हजारों लाखों करोड़ों पुण्य के घड़े जब हमारे संजोए हुए उसमें से अमृत तत्व जब निकला है तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा मिली है। बहुत कठिन है महाराज अमृत तत्व मिल जाना। श्रीमद् भागवत कथा में तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि जब राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे उस समय पर देवता अमृत का कलश लेकर आ गए थे। बोलो सही है कि गलत है? सुनिए ना भगवत जी अमृत का कलश लेकर जब सारे देवता आ गए और राजा परीक्षित से कहा परीक्षित ये अमृत का कलश ले लो तुम 7 दिन में मरने वाले हो अमृत पियोगे अमर हो जाओ फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा अब तो ये अमृत का कलश ले लीजिए। परीक्षित ने पूछा आप मुझे अमृत देकर क्या लेना चाहते हो तो कहा हम केवल जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हो उस कथा को हम सुनना चाहते हैं। ये कलश अमृत का आप लो हमें कथा सुन लेने दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन अभी भी मौका है तू चाहे तो विचार कर सकता है तेरे को क्या चाहिए अमृत चाहिए तो ये अमृत रखा है उससे तू अमर हो जाएगा। बहुत लंबी उम्र मांग ली भगवान से इतनी लंबी उम्र मांग ली भीष्म पितामह जैसे से पूछ लो एक बार जाकर कि तुमने इतनी लंबी उम्र मांगी थी बाणों की सैया पर पड़े रहे कष्ट भोगते रहे शरीर में दुख होता रहा तकलीफ होती रही कितना कष्ट पर कष्ट सहन करते रहे कितना कष्ट तुमने सहन करा है पर बाणों की सैया पे से प्राण नहीं छोड़ पा रहे कितना कष्ट सहन करा। हमें ज्यादा
लंबी उम्र नहीं चाहिए हमें, तो उम्र भी मिले तो भगवान से प्रार्थना करना है कि उम्र भी देना तो ऐसी देना जो तेरी सेवा में लगी रहे, चलते फिरते तेरा स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, नाम जाप करते रहे, नाम कीर्तन में डूबे रहे। बहुत भारी उम्र दे दी और उस उम्र को पावी लिया आपने और उसके बाद में मालूम पड़े शरीर में कष्ट हो जाए तो क्या मतलब। कई कई माताओं को पुरुषों को देखा है पलंग पर पड़े हुए हैं, शरीर काम ही नहीं कर रहा, उनके बहु बेटे रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज इनको समाप्त कर दीजिए, इनकी श्वास को अब ले लीजिए, इनके प्राण छोड़ दीजिए, फिर भी प्राण नहीं निकलते। प्राण निकले कैसे? व्यसन में, आसक्तियों में, काम में, लोभ में, तृष्णा में जब तक ये प्राण फंसे हुए हैं तब तक ये निकलने वाले नहीं। परमात्मा आसक्तियों में इन इंद्रियों को फंसा कर रखता है। भगवान से निवेदन करना, तूने बड़ी कृपा करी, करुणा करी, दया करी, जो इन सारे क्रम से राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये काम करो, ये तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम अमृत पी लो, मैं कथा देवताओं को सुना देता हूं। आपका अगर मन कर रहा है कि मैं कथा ना सुनूं, मैं तो अमृत पी लूं, तो फिर आप सुनो, आप पियो अमृत और हम देवताओं को कथा सुना देते। राजा परीक्षित कहते हैं कि जिस कथा के लिए देवता भी तरस रहे हो और अमृत मुझे दे रहे हो तो ये सोचने वाली बात है कि कथा बड़ी है कि अमृत बड़ा है। बड़ा क्या है? सुबह 7-7, 8-8 बजे से आप इस हॉल में और बची कुची थी तो खिड़कियों में, 7-7, 8-8 बजे से 9-9 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठे हो, इससे ये महसूस होता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि अमृत फीका है इस शिव महापुराण के आगे। अमृत फीका है, अमृत की कोई परिभाषा नहीं, अमृत केवल अमरता प्रदान कर सकता है, पर शिव महापुराण वो अमरता देती है जिसके बल पर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर अपने परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रहकर सुख का अनुभव कर सको। इसमें वो अमृत तत्व छुपा है। अगर बार बार जन्म होए भी ना तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना कि जितनी बार जन्म देना उतनी बार भगवान शंकर की भक्ति करती रहूं, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहूं, जितना ही बार जन्म देना उतनी बार मुझे यही विनती है मेरी कि मैं शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं शिव का स्मरण करती रहूं। तो कहे ऐसी सुबाना भगवान, ना तो ऐसी सुबह चाहिए ना ऐसी शाम चाहिए जिस दिन मेरे मुख पर आपका नाम ना हो, हर पल हर घड़ी हर क्षण मैं आपका स्मरण करते रहूं। बड़ी मुश्किल से तो मानव की देह मिली और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर हम गुणगान ना कर पाए, भगवान का भजन ना कर पाए, परसों की कथा में कहा था कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको मंथन करना है, भगवत नाम में डूबोना है, जब मंथन करोगे माखन निकल जाए, माखन निकलेगा। और मक्खन की कीमत
करा, उनको माखन मिला, ये पत्र कह रहे हैं आपके द्वारा लिखे हुए। ये आपके द्वारा लिखे हुए इन पत्रों में वर्णन है कि हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने ये उपयोग करा, हमने ये भगवान शंकर की कथा में से सुनकर ये उपाय किया और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। बाबा करुणा करा। ये आपका मंथन कर रहा है और बिना मंथन के कुछ प्राप्त हो नहीं सकता, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। आपको कोई लाखों रुपए भी देना और कोई आपसे कहे महाराज एक बात हमने देखी है कई जगह पर, राशन की दुकान पर राशन बंटता है, जब दुकान खुलती है तब लोग लाइन लगाते हैं, तब तक तो कहीं आजू बाजू में छांव में जाकर बैठ जाते हैं। और शिव महापुराण की इस लीला में हमने देखा 2 बजे कथा प्रारंभ होने वाली है, आप 11 बजे से 10 बजे से ऐसे ही माताएं जितनी धूप में अभी बैठी है। मेरा निवेदन रहेगा कैमरे वालों को जरा कि कितनी धूप में माताएं बैठी हुई है, और आप तो ठीक है कि अपन छांव में बैठे, पर धूप में भी वो ऐसी कैसी 11 बजे से इंतजार कर रही है शंकर के उस पावन चरित्र को श्रवण करने का। उतनी धूप में मेरे भाई, उतनी धूप में मेरी बहने खड़ी बैठी। ये आपका विश्वास है और मेरे बाबा से निवेदन है, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जो जिस कामना को लेकर इस कथा को सुन रहा है, जो जिस कामना को लेकर इस पावन प्रागण्य में आया हुआ है, इस पावन कुबेरेश्वर धाम में जो जिस कामना को लेकर आया, उसकी मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में वापिस बुला ले, ऐसी कृपा कर वापिस बुला ले इनको। और आप भी भगवान से विनती करके जाना, बाबा हमने सुना है, और जरा करके के जाना, हमने सुना है कि जो आया है वो 3 महीने में वापस आया है। एक पत्र में तो लिखा है कि 3 महीने भी नहीं लगे गुरुजी। चलो सारे में
भगत होता है। स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हो आप लोग? नर्मदे हर, गंगे हर, यमुने हर, स्नान करते समय बोलते हो? क्यों बोलते हो? भविष्य पुराण कहती है कि उसके बोलने का कारण केवल एक इतना सा है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य की चित्त वृत्ति में, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में शिव समाया हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जब प्रत्येक मनुष्य में शिव है, जब वो स्नान करता है तो वो स्वयं स्नान नहीं कर रहा, वो शंकर का स्नान कर रहा है, इस श्वास रूपी शिव का स्नान चल रहा है। भगवान का भगत होता है ना, उसको तुम भोजन कराओ ना, तो उससे कहो क्यों साहब कचौड़ी कैसी लग रही है? नहीं, राम जी ने कचौड़ी तो अच्छी खाई है लगी, मतलब इसको अच्छी नहीं लग रही, शंकर को अच्छी लग रही, जो भीतर शिव है उसको अच्छी लग रही। बस एक विश्वास की दृढ़ता में हम उसकी पहचान कर लें कि शंकर यही है, उसको पहचान कर उसके स्मरण में हम डूब जाएं और उसकी भक्ति में डूब जाएं। जब भक्ति में हम भगवान शंकर के डूब जाएंगे तो फिर हमको कुछ सूझना नहीं है महाराज, कुछ सूझना। एक व्यक्ति की चार पत्नियां थी, कितनी पत्नी है? चार। लोगों की एक नहीं निभ रही, उसकी चार कैसे निभी होगी? ये तो विचार वाली बात है। एक व्यक्ति की चार पत्नियां थी, पर व्यक्ति ऐसा था कि जिस पत्नी से पहला विवाह उसका हुआ था उसको तो वो बिल्कुल स्नेह करता ही नहीं था। उसका सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम था, सबसे ज्यादा अगर आसक्ति थी, तो जो चौथे नंबर की पत्नी थी जिससे उसने आखिरी में विवाह करा था, उससे उसका प्रेम सबसे ज्यादा था। हो जाता है, अंदाजा लगाया जाए। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, केकई मैया, सबसे ज्यादा स्नेह दशरथ जी का किस पर था? केकई मैया। थी उसमें पहली पत्नी से जो विवाह करा था उसमें कोई उसकी स्नेहता, उसका प्रेम, उसकी आसक्ति, उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति थी वो चौथे नंबर की पत्नी में, जो सबसे लास्ट की थी, सबसे आखिरी की थी। और फिर उस चौथे नंबर की पत्नी के बिना वो एक क्षण नहीं रहता था, एक क्षण, दिन रात सुबह शाम हर पल हर घड़ी उसके साथ ही रहता, कहीं नहीं जाए उसको छोड़ के। रे ऐसा ऐसा भेरू भी रे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हो, शादी हो जाए तो ये नौकरी पे नहीं जाए, ये छोड़ के जाऊंगा बुरा लग जाएगा, तो के चली जाए। क्यों रे दीनानाथ, मायके चली जाए तुम्हारा, उसको तो रोना नहीं आया पर ये रो दे कि ये मायके चली गई। उसकी चौथे नंबर में बड़ी आसक्ति थी, फिर उससे कम आसक्ति तीसरे नंबर में थी, उसको भी बहुत चाहता था, प्रेम स्नेह बहुत था उसका तीसरे नंबर, उसको भी बहुत चाहता था, प्रेम स्नेह बहुत था उसका तीसरे नंबर वाली, फिर उसकी आसक्ति दूसरे नंबर वाली में भी थी, प्रेम उससे भी था, स्नेह उससे भी था। और अगर प्रेम और आसक्ति नहीं थी तो वो किससे नहीं थी?
पहले नंबर वाली से, जिससे सबसे पहले विवाह करा था उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, पर जो चौथे नंबर की थी जिसमें सबसे आखिरी में विवाह करा था उससे स्नेह था, प्रेम था, तीसरे नंबर वाली में था, दूसरे नंबर वाली में था, पर पहले में समय आया। अच्छे से अच्छा सूरमा क्यों ना हो, काया और माया ये कब किस समय साथ छोड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। क्या क्या चीज जम के बोलिए जरा, काया और माया, ये किस समय पर आपका साथ छोड़ जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। कितना ही बादाम खा लो, कितनी काजू खा लो, कितने पिस्ता खा लो, चाय अखरोट वाला क्रीम से मुंडा धो लो, ये काया और माया कब साथ छोड़ जाए किसी का भरोसा नहीं। कितने दिन की सुंदरता रहेगी सब, कितने दिन की, पहले भी कथा में कहा माइकल जैक्सन जिसके कितने कितने डॉक्टर लगे रहते थे, कभी उसका पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा, कितने डॉक्टर ये मत खाना वो मत खाना, ऐसे रहना वैसे रहना, ये लगाना वो लगाना, इस शैम्पू से बाल धोना ऐसा करना, इस फेस वॉश से मुंडा धोना, ऐसा क्रीम लगाना, ऐसा पाउडर लगाना, ये करना वो करना, कितना कितना उसने डॉक्टरों को रख रखा था, कितनी दवाइयां खाता था, कितना कितना प्रयोग करता था, उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 70 साल 80 साल 90 साल में मरे, पर उससे पहले निपट गया। जब इतने डॉक्टर रख रखे थे, सब पूछ पूछ कर भोजन कर रहा था, एक एक चीज छाट छाट कर खा रहा था, एक एक चीज छाट कर खा रहा है, उसके बाद भी शरीर है, कितने साल साथ देगा। जोर जवानी ढलक जाएगी, ये समय आएगा, काया बेकार होती चली जाएगी, जितनी इसमें आसक्ति है। हो सकता है कि पहली जो शादी करी उसने, उस व्यक्ति ने पहला जो विवाह करा था उसमें आसक्ति, उसमें प्रेम, उसमें इसने कम हो गया, क्योंकि विवाह करते गया आगे बढ़ते गया, चौथे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, तीसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, दूसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा रह गई, पर पहले नंबर की पत्नी में आसक्ति नहीं रही। हो सकता एक समय आया बीमार पड़ गया, शरीर तो शरीर था, काया तो काया थी, बीमार पड़ गया, वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कह दिया मात्र 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद मर जाएगा, लास्ट स्टेज, 15 दिन डॉक्टर ने दे दिया कि 15 दिन बाद मरना है। कांप गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे, मैंने पूरी जिंदगी केवल इन पत्नियों में निकाल दी, पर एक काम करता हूं, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो इन चार में से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। था ना पक्का भैरू, पक्का था, इन चार में से मेरे साथ एक पत्नी को लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने सबसे पहले उसी से कहा, किससे, वो चौथे नंबर वाली से, क्योंकि उसी को ज्यादा चाहता था, उसी को लेकर जाना चाहता था, उससे कहा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाता हूँ, तुम और मैं हमेशा साथ रहे हैं, मैं सच चाहता हूँ कि मैं 15 दिन बाद मर रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस पत्नी ने तो एक क्षण नहीं लगाया और एक क्षण में कह दिया फालतू की बात तो करना ही मत, फालतू की बात मेरे से करना बती, मैं काहे को चलूं तेरे साथ में। और पत्नी एक सेकंड नहीं लगा और निकल के घर से। अब इसने कहा बताओ कितना प्रेम था,
एक सेकंड में केके और चल दी बार, इन्हें दूसरी से कर वो तीसरे नंबर वाली से, सुनो तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ में, मेरे साथ में मैं 15 दिन बाद मर रहा हूं, मेरे साथ में मरना पड़ेगा तुमको, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तीसरे नंबर की ने कहा, फालतू की बात करना मत, तुम जैसे ही निपटोगे मैं दूसरी शादी करूंगी, मेरे से फालतू की बात करो मत और मेरे को दूसरी शादी करना है, तुम कब तक पलंग पर पड़े रहोगे, चलो। वो भी चली। अब आई दूसरे नंबर वाली, उसने उससे कहा, देख मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, एक तो कम से कम कोई मेरी सेवा करने वाली वहां चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरे साथ में चल चल। इतने में उसने कहा, देखो जी फालतू की बात मत करो, कोई किसी के साथ जाए अच्छी बात नहीं है, एक काम करूंगी मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देख मैंने तेरे को इतना कर बोल रहा हूं, मेरे साथ मैंने बोल दिया ना शमशान तक जाऊंगी, ओके बाद नहीं जाऊंगी, बस बोल दिया तो बोल दिया, फालतू की बात करना मत ही मेरे से। और इसने भी किया। इतने में पहले नंबर वाली ने आवाज लगा कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक चलती हूं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम प्राण त्यागोगे और मैं तुम्हारे साथ चल दू, तुम चिंता मत करना, काय को चिंता करते हो। ये उस व्यक्ति की चार पत्नियां नहीं, हम सबकी चार पत्नियां हैं। चौथे नंबर की है ये शरीर जो इस आत्मा के साथ रहता है, 24 घंटे रहता है, हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है। जब प्राण छोड़ने का समय आता है, सबसे पहले यही छूट जाता है, एक सेकंड नहीं लगता है छूटने में इसको। चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, कितना चाहते हो तुम इस शरीर को, रोज पैर से लक्ष से रगड़ रगड़ के नहाते हो, कितना चाहते हो इस चौथे नंबर की पत्नी को, लगाओ तेल फिर भी उड़ी क्या, कहीं नहीं बचा, कितना ये भी सीखने को मिलता है, जब सीवर वाला महाराज का नहीं बचा तो अपना कहीं बचेगा, ये भी एक सीख है। अच्छा अच्छा का नहीं बचिया दादा, चाहे कहीं का भी लगा लो तेल, सब फेल, कहीं बचा, ये भी एक सीख है। अब कितना खर्च करा उस चौथे नंबर की पत्नी के लिए, विचार करिएगा जरा, कितना कितना खर्च करा है उस चौथे नंबर की पत्नी पर। आपने सबसे ज्यादा अगर जीवन का कोई खर्चा करता है तो ये चौथे नंबर की पत्नी पे ही करता है, बोलो सही है गलत है, क्रीम भी इसको चाहिए, कपड़े भी इसको चाहिए, एक से बढ़कर एक डेंटिंग पेंटिंग सारा सामान चाहिए, 2 घंटा तक कुर्सी पे बैठे रहे, धागा से खिंचवाई थी रोल पर, मुंडा फाड़ी ने 1 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से लाइन किचन पे डब्बा भरो, कितना कितनी मेहनत करी है चौथे नंबर की पत्नी के पीछे, कितनी मेहनत करी ने, एक से बढ़कर एक ने, यूं दबा दबा के पति से जरा साड़ी नीचे खींचो पटली में, अब वो पटली ऐसी पकड़ के खड़ी, खींचो जरा, देखो अच्छे से खींचो जरा, नीचे जमाओ तो जमाओ जरा, जैसा चल के पीछे गया उसके पांव के पास, पांव पड़ के केक एकदम गजब की,
अच्छा अच्छा आभूषण पहनाया, इसके बाद भी प्राण छूटते समय एक सेकंड निकला और छूट गई। आत्मा इधर, शरीर। और तीसरे नंबर की थी जो कह रही थी कि मैं तो तुम मरे और दूसरे से शादी कर लूंगी। कौन बोली थी है? तीसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी जमीन, तुम निपटे और रजिस्ट्री दूसरे की। दुकान निपटते से ही नहीं, बस तुम जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गए। 500 रुपए ले जाना बीमे वाले से का, हमारी एक अच्छी एफडी कर दे भैया, हमारा पैसा जमा करते रहे भैया, 1000 रुपए महीने का जमा करना भैया और हर साल कीर्ति कर देना भैया, बीमा तुमने भरा पैसा तुमने जमा करा, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के मर गए, 100-100 रुपए जोड़ जोड़ के मर गए। मरने के बाद वो पैसा किसको मिला? जिसके नाम था दूसरे, कई पत्नी को कई बच्चों को दूसरों। यही तो तीसरे नंबर की पत्नी कह रही है कि तुम मरोगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगी, अर्थात तुम जैसे ही निपटे तुम्हारे पैसे को, तुम्हारी दौलत को, तुम्हारे सामान को, तुम्हारे धंधे को, तुम्हारा जो कपड़ा लत्ता जेवर आभूषण रतन माटिक मोती जो भी तुम्हारे घर में, वो उस पर दूसरे का ही तो हक होगा कि तुम्हारा होगा, कि ऊपर से आके चिल्लाओगी ए 500 रुपए मेरे, बोलोगे नहीं, उस पर हक दूसरे का हो जाएगा। ये तीसरे नंबर की पत्नी है, मरते से शादी दूसरी कर लेती है। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये लक्ष्मी, ये हमारा सारा साज और सामान, ये तुरंत दूसरे का हो जाता है। तुम निपटे और वो दूसरे का। उसके बाद भी पोछ पोछ के मरे जा रहे, गुलदस्ता साफ कर लो, सामान पंखा अलमारी किपाट कबाट सब साफ कर लो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे घर की सफाई तुम नौकरानी से करवा लेते हो, नौकर से करवा लेते हो, तिजोरी की सफाई नौकर से करवाते हो? जम के तो बोलो नहीं। तिजोरी की सफाई आप नौकर से नहीं करवाते, तिजोरी की सफाई आप स्वयं करते हो। उसी तरह दुनिया का सारा काम आप दुनिया वालों से करवा लेना, और इस आत्मा की सफाई का काम आपका खुद का है कि मैं शिव कथा सुनूंगी तो मेरी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। ये नौकर नहीं करे। माता पिता गुरु और आत्मा, ये वो दौलत है, ये वो तिजोरी है। इसकी सफाई का काम दूसरे का नहीं होता, इसकी सफाई का काम अपना होता है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये हमारा कर्म। आप जितना भजन करोगे उतना ही सुख आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करोगे उतना आनंद आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन। तीसरे नंबर की पत्नी हमारी दौलत, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारी जायदाद, जो तुरंत मरते ही दूसरे के नाम हो जाती है। और महाराज दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार। कौन है? जम के बोलो जरा। हमारा परिवार, ये व्यक्ति के दूसरे नंबर की पत्नी है। परिवार वाले, पत्नी ने क्या कहा था? दूसरे नंबर की पत्नी बोली थी, मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी पर मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। ये दूसरे नंबर की पत्नी हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा कबीला, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे जितने अपने बनते हैं, ये हमारे दूसरे नंबर की पत्नी है जो शमशान तक
तो छोड़कर आएंगे पर आपके साथ नहीं जाएंगे। ये दूसरे नंबर की पत्नी भी ऐसी है कि ये सब मुंह के दिखाने वाले होते हैं साहब। हम तो निवेदन करेंगे, जब तक माँ रसोई घर में काम करती रहती है, घर के बहुओं के बच्चों को संभालती रहती है, तब तक बहुएं भी सास को गिनती रहती है। ससुर अगर कमा कर लाता रहता है तो दुनिया को अच्छा लगता है। जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, कमाना बंद कर दोगे, उस दिन आपके पास में ठंडी रोटी आना प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी रोटी आएगी? हॉस्पिटल नहीं भर्ती कीजिए, हम आए और सर
पर अच्छा है। अब ठीक है, बहुत अच्छे है। बेटू बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, आप झारखंड से बाबा के इस धाम में पधारे, बाबा कृपा करे। भगवान शिव है, अब ना तो वहां पर कुबेरेश्वर महादेव थे, ना वहां पर यहाँ का कोई भाव था, केवल एक बेलपत्र थी और वहां के शंकर भगवान का स्वरूप था। पर कथा जो आपने श्रवण कर रखी थी, उसका विश्वास आपके भीतर इतना प्रबल था कि एक बेलपत्री भी शंकर की उठा कर दे दी तो वो अमृत बन चुकी थी और उनका स्वास्थ्य ठीक कर दिया। उस विश्वास के बल पर थी। भरोसा आपका पक्का है, विश्वास आपका दृढ़ है और उस भरोसे के बल पर, उस विश्वास के बल पर आपने अगर दिया है तो उसका फल होगा। हम तो आपसे फिर निवेदन करते हैं, जितने बेटे, जितनी बेटियां, जितने व्यक्ति, जितने भी लोग किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, परीक्षा में बैठ रहे हो, उनसे हम बार बार कहते हैं कि शंकर का अनुमोदन करना एक बार, शिव पर विश्वास रखकर बीच का पत्ता जो बेलपत्री का होता है इस पर शहद लगाकर हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मन की कामना कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाकर इसके बाद जाना, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा, ये पक्का। अब करो उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता कर विश्वास कर जाइए। ऐसा कौन काम है जो नहीं होगा साहब। मधुमक्खी है धूमावती के।
जी के गले में सर्प वो भी विषैला, कानों में बिच्छू वो भी विषैला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा ये उसका काम है, मधुमक्खी काटेगी डंक मारेगी ये उसका काम है, बिच्छू डंक मारेगा ये उसका काम है, और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो, काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया, बिच्छू काटे बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा, मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा, उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए, जहर उतरेगा। सांप का जहर सांप वाला उतार सकता है, मधुमक्खी का डंक का जहर मधुमक्खी वाला उतार सकता है, बिच्छू का जहर बिच्छू वाला उतार सकता है, पर मनुष्य के डंक मारने का, उसके धोखा देने का जहर कोई नहीं उतार सकता, केवल एक शंकर उतार सकता है। उस पर विश्वास रखना, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना कि बाबा मैं तो सरल, मैं तो सहज, मैं नहीं जानता मेरा कितना धन किसी। अभी आज ही की बात है, एक माता बहुत रो रही थी, मेरे पति कोरोना में चला गया गुरुजी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बहनोई और मेरा पति दोनों मिलकर धंधा करते थे, दोनों मिलकर उन्होंने फैक्ट्री डाली थी, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी का काम किया था। अब मैंने अपने बहनोई को फोन लगा कर बोला, जीजा जी आप बच्चे भूखे हैं, अब हो गए 4-6-8 महीने और कुछ भी नहीं है हमारे पास में, आप जो जो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है वो बता दीजिए। तो बहनोई ने मना कर दिया कि कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है। सांप दिखता है कि डंक मारेगा, बिच्छू नजर आता है, मधुमक्खी नजर आती है, इंसान नजर नहीं आता, मनुष्य नजर नहीं आता। कई लोगों ने दूसरों को पैसे दे रखे केवल व्यवहार पर, भैया दे देना, मैं 500 रुपए, 5,000, 50,000, 10,000, 2,00,000, 5,00,000, हाँ लो ले जाओ, काम करके वापस ले आना भैया, दे देना, हो मेरी बेटी का ब्याह है, मेरे बच्चों का ये काम है, तुम वापिस तो कर दोगे ना भैया? हाँ भैया कर दूंगा। लेकर गया, पहचानोगे कैसे कि ये डसेगा कि नहीं डसेगा? इतना रो रही थी वो बेटी, इतना रो रही थी, हमने उसे एक ही बात कहा, सारे जहर उतारने वाले मिलते हैं तो इस जहर को उतारने वाला भी शंकर है। तो विश्वास मत तोड़ना, तो भरोसा मत तोड़ना, तो दृढ़ता मत तोड़ना, और अपने भरोसे पर डड़ी रहना, शंकर का भजन करती रहना, एक लोटा पानी शिव पर चढ़ाती रहना, उसके दरवाजे पर जाकर रोना, आज कुबेरेश्वर धाम में आकर रोइए, इसके बाद कहीं मत रोना, रोना तो शंकर के द्वार पर जाकर रोना, उस परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना, उससे कहकर रोना, क्योंकि वो जहर उतारना जानता है अच्छे अच्छों का। लंकाधिपति रावण का भी जहर उतार दिया, तो कंस और हिरण का शिव का भी जहर उतार दिया, तो ये कहां का लगे बहनोई, ये कहां का लगे, जहर उतारना हो जाता। और जब वो जहर उतारता है ना भाई, जब वो जहर उतारता है, अहंकार काम लोभ आसक्ति तृष्णा वासना का जब जहर वो उतार देता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं शून्य हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी, मैं शून्य। देख लिया संसार हमने,
शरणागति में भगवान की भक्ति में जब लगे रहोगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा अपने आप। इसलिए कहते हो ना, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया, सागर है महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और बहुत बड़ी समस्या है, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं लाल मट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य है पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गई और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर। और महाराज पांच सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर बाबा से निवेदन कर घी का दिया लगाकर विनती कर उस शिवलिंग से निवेदन कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की,
से जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहाँ करा, तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना। पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना कौन सा कार्य, जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करना इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ, मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना 1.5 महीना 2.5 महीना इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल करेंगे। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। आगरा रोड प्रेम नगर से जिला जयपुर राजस्थान, आगरा रोड प्रेम नगर जयपुर से यह पत्र है। इन्होंने लिखा है काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है, आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं, भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं, यही बाबा की कृपा। जिनने भी लिखा पत्र फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर, जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे, किनने लिखा था जयपुर वाले प्रेम नगर वालों ने, है कहीं हमको यहां से दिख नहीं रहा है, ठीक है जहां भी बैठे हो आपको नमनता है।